ममिता मेहर हत्याकांड जितेबाला राज्य न्याय दाबी से राज्यव्यापी विक्षोभ चलती आज मध्य बालेश्वर छ 12 घंटिया मध्य बंद पालन कराई मुझे देखापी चाहिए बालेश्वर जो नीलगिरी अच्छी नीलगिरी बीजेपी पक्षर बंद डाकरा दिखाई कहीं आप देखते नीलगिरी जो बाइपास छक बालीगुरी बस स्टाण पाखर अच्छी से बीजेपी पक्षर मैं पिकेटिंग कराई विभिन्न छक छक से पिकेटिंग कराई दुकान बजार सब बता बंद अच्छी बर्तन से राज्य 19 नंबर राज्य राजपथ जो शेरगढ़ नीलगिरी झरण घाटी राज्य राजपथ बंद कर पुलिस उपस्थित अच्छे कहीं कौन विशृंखला घटे आम सहित सीधा साल जोड़ी हे बीजेपी अच्छा जो नेतृवृंद अच्छा सहित कथा आज जो आप दाबी रही प्रमुख दाबी कौन रमर आज मुख्य दाबी जो सहित कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र मंत्री को बरखास्त करपेक्ष तदंत कर दोषी को दंड देवाई आम मुख्य दाबी र तो शुणुले जो मुख्य दाबी कहते कैप्टन दिव्यसिंह मिश्र जो गृहमंत्री अच्छा इस्तफा दाबी कर ममिता मेहर को न्याय दाबी से आज धारणा बस विक्षोभ जारी रही आम सहित जोड़ी हे मुख्यमंत्री जो कौन से मुह खोलना राज्य में विभिन्न प्रकार घटना मान घटी चलती कि मौनव्रत को नहीं कौन कहे देखो आज सत्य असत्य न्याय अन्याय धर्म अधर्म संघर्ष ओडिशा पूर्ण मात्रा जर्जरित होड़शा नारी सुरक्षा ना प्रहसन चलती एवं नारी माने आज पूर्ण मात्रा रे असुरक्षित अच्छा जहाँ परिणाम विगत दिन में भी आप परी कुंदुली रे देखिते माधवीलता केस रे देखिते आज पुणी ममिता मेहर भूणी ममिता मेहर केस रे देखिले तेणु आमर जो कथा कहले बड़ोई जे संपूर्ण दाबी सीबीआई तदंत करा जाऊ एवं अंततः जेहेतु सी गृह राष्ट्रमंत्री अच्छा सी बाड़ तो फसल को सुरक्षा देवाई कराई था ना बाड़ जो फसल खाइबा आरंभ कर किए अटकेब से अंतत सी आगे इस्तफा देकर निरपेक्ष तदंत करापर दोषी को तो दंड दिजाटा सुनिश्चित दोषी दंड पाइब आ सहित जो मैंने जड़ित अच्छा जमी दिव्यशंकर मिश्र जी पूर्ण मात्रा जड़ित अच्छा ना एत थर से कहीं जाते से सिक्रेट चेम्बर में कौन काम कॉलेज भितर सिक्रेट चेम्बर कौन आवश्यकता अच्छे आउ कौ कॉलेज को एते अनुकंपा देखाई ना केवल से ही कॉलेज को कोटि कोटि टंकार अनुदान दिखाई भारत बर्षे ओडिशा तो बहुत कॉलेज अच्छी कहीं आउ कौ कॉलेज को दि जाए तेणु ये सबुर लिंक जनापड़ी जे गोविंद साहू सहित आंकर पूरा घनिष्ठता थिला एवं ये पूरा षड्यंत्र करिकरी आंको पाखरे जहाँ जहाँ प्रमाण अच्छी सब नष्ट कर सारा परे एबे पदा को बाहर तो दिव्यशंकर मिश्र निजे काली गत काली स्टेटमेंट देते कौन संप्रीति ना एवं जो खबर प्रकाशित हो गणमाध्यम ना अर्गस ना मानहानि देखु जदि ना तो सी आगे इस्तफा देकर आपको निरपेक्ष तदंत स्वागत करूँ जदि तदंतर से निरपेक्षता हासिल करी जदि संपूर्ण दोषमुक्त हे ताल तो राज्यवासी स्वागत करेंगे कितु एत दिन पर्यंत कौटी थे जिते सारा राज्य में निया जल्वा आरंभ है बंद बंद आरंभ है काली सी बाहरी एत दीर्घ दिन धरिकी कौटी थे 15 दिन है घटना कौटी थे कौटि लुचि थे इवनिंग कार्यक्रम थी मयूरभंज में 27 तारीख दिन साकु भी बातिल कर दिया हला 20 जन मंत्री चिठा आसाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पाकुता भितर ना था कि नवीन पट्टनायक सहित भी ना था 22 तारीख दिन कितु ना को बातिल कर दिया हला आउ समस्त मंत्री आसिले नवीन पट्टनायक भी आसिले कि दिव्यशंकर मिश्र को निजे नवीन बाबू बातिल करदे कहीं लोक ग्रहण करने को चाहूना से नवीन बाबू जा सारे सैड्रे से बसवा भी दौना कि बरखास्त बर्तमान सुधा करना मैलन पड़ज बोलिकी चवि तो शुणुले कि विभिन्न राज्य में जो घटना घटी नारी मान सुरक्षा नहीं आप सारा देशर सब राज्य क्राइम हेले भी गोटे आईन अच्छी दंड अच्छी ओडिशा गोटे दंड ना बारंबार मंत्री मालामाल मंत्री सब क्राइम करेप करोसी क्षेत्र नारी सुरक्षित नहीं आईन कौन दंड ना ये मुख्यमंत्री नीरव रहा माने से बारंबार ये मंत्री मान जो क्राइम करी सुरक्षित ना आम नारी मान सुरक्षापी आम तदंत ठीक भाव हो सीबीआई तदंत दाबी करूँ मंत्री निजे जेहेतु पदर अच्छा से तदंत ठीक हेनी बोली आम चाहूँ दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दिंतु आारी की सुरक्षित किमती रे मुख्यमंत्री निजे स्टेटमेंट दिंतु ना मुख्यमंत्री प्रकृत दायी बोली आम निजे भाव तो शुणुले जो मुख्यमंत्री ये दायी अच्छा आम वरिष्ठ नेता अच्छा आम सहित कथा आपण मैंने आज जो धारणा देखते दाबी रखुच्च कौन कौन दाबी रही है बंद पालन कर आम आज बीजेपी तरफ नीलगिरी पूरा बंद पालन करूँ ममता मेहर जो हत्याकांड से ही हत्याकांड दिव्यशंकर मिश्र संपुक्त अच्छा तेणु आम सीबीआई तदन दाबी करूँ सीबीआई तदंत पर यदि से निर्दोष हे सी रही पारे नम मानव मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ये आम जन दूचे
କେମିତିକା ସବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? କୌଣସି ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଜୋର ଧରିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟଣା ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି ବା ନିର୍ଯାତନା ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। କ୍ରାଇମ୍ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସଚେତନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରକାର ଯଦି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ କିଛିଟା ରୋକ ଆସିପାରିବ। ଯେମିତି UPକି ସର୍ବାଧିକ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁଠିକି ଡାକିବେ ମୁଁ ଯିବି, ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯାଇକରି ରହନ୍ତି ରାତିରେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ରହିବ, ସିଏ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ କଡ଼ରେ, ୟା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି, କିଏ କ'ଣ କେବେ କହେ କି ଚୋରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଚୋର ବୋଲି? ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ କହିଥିଲା କି ମୁଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା, ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ କହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ସେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ତାର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାର ଏରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି 19 ତାରିଖ, ସେ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି, ଫେରାର ସମୟରେ ଲାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି, ଏସବୁର କାହାର ହାତ ଅଛି? ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଅଛି ଯେ ୟାକୁ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସେ ଚପଳମତୀ ବାଳିକାକୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ପାଳନ କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି BJP ଦଳ ତରଫରୁ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।